देश में लगातार विपक्ष केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहा था कि आखिरकार केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश क्यों भिजवा दी, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी समेत कई इलाके में इस तरह के छिपके हुए पोस्टर नजर आए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 21 FIR दर्ज कर ली और 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लोगों की गिरफ्तारी होता देख कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मानो मुहिम छेड़ दी हो, जिसमें रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उसी प्रश्न भरे पोस्टर को अपने ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर बना लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी और इस पोस्टर को लगा दिया। कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं ने ट्विटर प्रोफाइल को चेंज करते ही मानो कांग्रेस ने कैंपेन छेड़ दिया हो। रणदीप सुरजेवाला से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर इस पोस्टर को लगा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सभी राज्यों के बने ट्विटर हैंडल पर भी ये पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि उस पोस्टर में लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा, वाजिब सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं तो सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि क्या आखिरकार देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम की चीज है भी या नहीं। अगर कोई भी दल देश की जनता का कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो ऐसे में चुप रहना ही मुनासिब होगा, ना कि लोगों की गिरफ्तारियां कराना उचित होगा।